आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि UPPCS UPSC में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था, तो ए ऑप्शन सही होगा, थॉमसन ने। दूसरा क्वेश्चन है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, मध्य पाषाण काल में। तीसरा क्वेश्चन है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, आदमगढ़। क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, महदहा से। क्वेश्चन नंबर पांच, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो कहां से प्राप्त हुए हैं, तो यहां पर बी ऑप्शन सही होगा, महदहा से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल, ध्यान दीजिएगा, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं, तो कहां से निकले हैं, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, दमदमा से। क्वेश्चन नंबर सात, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर आठ है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, नर्मदा घाटी में। क्वेश्चन नंबर नाइन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहां पर सी ऑप्शन सही होगा, जौ। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां प्राप्त हुए हैं, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस UPPCS और UPSC एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप रिवाइज कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, फिर दोबारा आने के चांसेस हैं। तो चैनल पर नया है, सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।